नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। प्रधानमंत्री के साथ राज्यों के मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने रखा हरियाणा का पक्ष। पल पल चंडीगढ़ से विशेष रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की लंबी अवधि के कारण बंद पड़ी औद्योगिक एवं आर्थिक गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से पुनः संचालित करने की केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दी गई अनुमति को और आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार से मांग की है। उन्होंने मांग की है कि केवल कंटेनमेंट जोन को छोड़ करके ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में ये गतिविधियां चलाने के लिए राज्यों को अपने स्तर पर अधिकृत करने की मांग की। मुख्यमंत्री ने यह भी मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों की हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान हरियाणा की तरफ से पक्ष रखते उठवाई। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री को आश्वस्त किया है कि वित्त वर्ष 2020-21 के दूसरी तिमाही में हरियाणा की सकल घरेलू उत्पाद दर पिछले वित्त वर्ष 2019-20 के दूसरी तिमाही के स्तर पर समीप पहुंचाने का संभव प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने 27 अप्रैल 2020 को मुख्यमंत्रियों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान एनडीए इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में दाखिलों के लिए 12वीं कक्षा के बाद होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज जेईई व नीट से संबंधित चल रही अनिश्चितता को शीघ्र समाप्त करने की मांग भी उठाई और उन्होंने उसे स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत 5 लाख रुपए से लेकर के और 5.3 लाख परिवारों को 3,000 रुपए से लेकर के 5,000 रुपए तक वित्तीय सहायता पहुंचाने के लिए उनके खातों में सीधा लाभ हस्तांतरण किया जा रहा है और इसके लिए 154 करोड़ रुपए की राशि डाल दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के कारण जनगणना 2021 का कार्य रुक गया है। वहीं हमने इन दिनों में लगभग 20,000 स्थानीय कमेटियां गठित करके इनके माध्यम से प्रदेश के 25 लाख परिवारों के साधनों और आवश्यकताओं का सर्वे करवा करके उसे डिजिटल रूप में स्टोर किया है। इस प्रकार 3.73 लाख परिवार ऐसे थे जिनके पास किसी प्रकार का राशन कार्ड नहीं था। राज्य सरकार ने उन्हें डिस्ट्रेस राशन टोकन जारी किए हैं और उनको मुफ्त राशन दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट।